आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं JRHMS रिक्रूटमेंट के बारे में। जो सभी कैंडिडेट झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उसमें जॉब करना चाहते हैं, उन सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने JRHMS रिक्रूटमेंट रिलीज करा है। जो सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इसके लास्ट डेट 13 फरवरी 2019 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड पूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने JRHMS रिक्रूटमेंट 2019 की नोटिफिकेशन रिलीज करी है सभी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए। इसमें टोटल 37 वैकेंट सीट्स हैं टीचिंग स्टाफ हेल्थ एडवाइजरी की पोस्ट के लिए। जो सभी कैंडिडेट्स इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो सभी कैंडिडेट्स हमारी इस वेबसाइट के जरिए 23 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर करवाया जाएगा। JRHMS रिक्रूटमेंट में जॉब्स डिटेल्स हैं, मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी में 1 सीट, मेडिकल ऑफिसर बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट, मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी में 1, मेडिकल ऑफिसर डेंटिस्ट में 1, प्रोफेसर में 7, रीडर में 8, लेक्चरर में 12, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर में 2, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर में 4 सीट्स। इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए डिफरेंट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए BHMS और DHMS, मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी की पोस्ट के लिए MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI, मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी की पोस्ट के लिए MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI, मेडिकल ऑफिसर डेंटिस्ट की पोस्ट के लिए BDS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय DCI, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए BHMS और DHMS एंड MD होम्योपैथिक विथ 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ रीडर, रीडर की पोस्ट के लिए BHMS और DHMS एंड MD होम्योपैथिक विथ 4 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ लेक्चरर, लेक्चरर की पोस्ट के लिए BHMS DHMS विद MD होम्योपैथिक रिकॉग्नाइज्ड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए BHMS और DHMS और इक्वलेंट रिकॉग्नाइज्ड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 60 ईयर्स तक होनी चाहिए और हमने अपनी वेबसाइट में इसकी डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल भी प्रोवाइड करवाया है। JRHMS रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए और से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए सभी कैंडिडेट्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jrhms.jharkhand.gov.in। इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर दिए हुए करियर टैब पर क्लिक करके वहाँ पर दिए हुए डाउनलोड लिंक को सेलेक्ट करने के बाद स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पारसपानी गोडा झारखंड एडवर्टीजमेंट लिंक पर क्लिक करके सभी कैंडिडेट इसकी पूरी जानकारी को केयरफुली रीड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में भी आपको कुछ डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करवाई हैं, सभी कैंडिडेट्स इन डायरेक्ट लिंक के जरिए भी इसकी पूरी जानकारी को चेक कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स इससे रिलेटेड सभी करंट अपडेट्स को चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।